कल शाम को 6:30 बजे मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक औपचारिक बयान दिया। जो स्टेटमेंट दिग्विजय सिंह जी ने 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में दिया था और जो प्रमाण मांगे थे वो उनकी निजी राय है, उनकी व्यक्तिगत व्यू है, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये मानना रहा है, हम मानते हैं और मानते रहेंगे कि राष्ट्रीय हित से कैमरा उठा देना, जो सेना की ओर से कार्रवाई की जाती है वो जरूरी होती है। 2014 के पहले भी 5-6 सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे, तो एक बार मैं फिर कह रहा हूं, दिग्विजय सिंह जी जिन्होंने जो कहा था, जिस संदर्भ में वो कहा था, वो उनकी निजी राय है, वो कांग्रेस पार्टी की राय बिल्कुल नहीं। मगर ऐसे कैसे कहा जा सकता है? थैंक यू।